सुर की गत में क्या जानू, एक भजन करना जानू, साई साई करना जानू, बाबा बाबा करना जानू। श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी। 20 साल हो गए मैंने पहले आरती गाई, और 20 साल पुरानी बात, तब भक्तों की इतनी भीड़ आज भी जैसी है वैसी कल भी थी, लेकिन वो जो मौका था वो यानी स्वर्ण अक्षर में लिखा नहीं जैसा लिखने जैसा था, कि बाबा ने ऐसा बोल रहे थे कि बाब अरे बेटा तू अपनी आवाज़ सुना, दूसरे की आवाज़ क्यों सुनता है, अपनी आवाज़ सुना मुझे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसी ही प्रेरणा लेके बाबा मेरी टूटी फूटी आवाज़ में तो कैसे गा, तो मुझे भी पता नहीं होगी, क्योंकि सुर की गत में क्या जानू, एक भजन करना जानू, साई साई करना जानू, बाबा बाबा करना जानू, सुर की गत में क्या जानू। बाबा ने इतनी अच्छी आरती मेरे से गवाई, और बाबा सुन रहे हैं इसलिए मैं बाबा का बहुत ऋणी हूँ। पहली आरती मैंने माध्यान्ह आरती गाई है, जो दोपहर वाली आरती होती है उसमें बाबा को पान भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, यानी वो मज़ा ही अलग है। वो एक अपने सुना होगा मराठी में है, तुझ का ये देऊ सावळ्या मी खाया तरी हो, वो काकड़ आरती में आता है, लेकिन वो जो भावार्थ है वही भावार्थ बाबा को हम पान खिलाते हैं ना, तो धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सदगुरु राजा विड़ा गया हो सदगुरु राजा, जब बाबा को पान खिलाते थे वो भावार्थ आ जाता था। और वो आरती गाने में जो मज़ा है, उसमें दत्त भगवान का भी रूप उसमें वर्णन किया है, ऐसा यही बा साई दिगंबरा, ऐसा बहुत अच्छा वर्णन उसमें लिखा है। और जैसे दत्त वर्णन है इसमें बाबा का, जैसा जैसे साई चरित्र पढ़ते उसमें भी दत्त भगवान बाबा कैसे हैं इसका वर्णन भी साई चरित्र में आ जाता है, और जो दोनों को मन में बैठ जाता है कि साई चरित्र अंदर क्या है, और वही बार अगर आरती में आ जाते तो वो साक्षात भगवान वहाँ दर्शन देते हैं। चमत्कार बताएंगे तो बहुत सारी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन ऐसा ऐसा भी हो गया है। 15 साल पहले की बात है, बहुत बारिश के समय था और मैं अपने खुद के गर्जना होती थी, बरसात बहुत बरसने लगी, पूरी गांव की लाइट चली गई, और मेरा मंदिर से 2 किलोमीटर लंबा है और वक्त से पहले हमें पहुंचना है, रास्ते में निकलते हैं तो कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, उनकी काटने की डर रहता है, और आजू बाजू में मेरे मकान में कोई नहीं रहता था, अकेला मैं खेती में रहता था, और इसमें अगर बरसात हो गई तो कीचड़ भी, गाड़ी निकलना है बहुत मुश्किल होती थी, बाबा का नाम लेके मैं गाड़ी अपने आप कैसे निकलती थी वो मुझे भी पता नहीं लगता था, बाबा ऐसे खींच के मुझे लेके जाते थे, बहुत सारे चमत्कार हैं। सबकी भाषा अलग अलग है लेकिन सबके भाव एक ही है, साई हमारा है, साई हमारा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बाबा की आरती मैं बचपन से देखता था, सुनता था, लेकिन बाबा को एक प्रार्थना की, बाबा ये मुझे अवसर कब मिलेगा? तो 86 की बात है जब बाबा ने मुझे शिरडी में बुलाया और मुझे पुजारी का पद दिया। पुजारी यानी पूजक, वैसा असली शब्द है पूजक, जो पूजा करने वाला है उसको पूजक बोला जाता है, और बाबा ने मुझे पूजक लायक जैसे बनाया। उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उसके साथ बाबा ने एक तोहफा भी दिया। वो तोहफा ऐसा है कि बाबा ने
मुझे पहले क्यों बोला कि भाई आप तबला बजाओ, हारमोनियम बजाओ? उसके पीछे मैं राज नहीं जानता था, लेकिन ये राज जब मैं शिरडी में पंडित जी बोल के, पंडित पूजक बोल के आया हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं नहीं अरे ये तो सब बाबा की सेवा करने के लिए ही भगवान ने मुझे चुना, क्योंकि बाबा यहाँ चुना, बड़े बड़े गायक बाबा के पास आते हैं, जैसे कि अजीत कड़कड़े हैं, सुरेश वाडकर जी है, कितने कितने नाम लियू, इस दुनिया में जितने भी सिंगर है, वो सिंगर से बाबा ने मुझे ऐसा तोहफा दिया कि हर रोज एक आरती नहीं चार चार आरती गाने के लिए बाबा ने मुझे मौका दिया। आरती करते समय मैंने बाबा से हट किया था कि बाबा आप मुझे दर्शन दो, ऐसा एक माहौल आ गया था। मैं आरती बाबा की उतार रहा था, आरती बाबा के सामने घुमा रहा था, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो गया कि बाबा सिंहासन उठे हैं। पहला फाइबर की कास्ट नहीं थी, स्टेप अभी भी है, वो दिखती है, वो स्टेप से बाबा नीचे उतरे और मेरे हाथ पकड़ के बोले अभी कर तुझे कैसे दर्शन करना है। तो मेरे आंखों में पानी, बाबा मेरे हाथ में तो आरती है, मैं आपका ना दर्शन कर सकता हूँ ना आपसे बात भी कर सकता हूँ, बहुत सारे पीछे भक्त भी खड़े हैं। तो बाबा ने ऐसी परीक्षा भी बाबा बहुत लेते थे, लेकिन मन के गहरे अंधियारों में साई नाम दिए जैसा, ऐसे बोल के बाबा से मैं वही प्रणाम करता था। ऐसा सौभाग्य हमें मिला कि जिसका वर्णन दुनिया अपने लफ्जों में नहीं कर पाती, वो हर रोज चार बार अलग अलग रूप देखकर, कभी सुबह काकड़ आरती में बाबा का अलग स्वरूप दिखता है, जैसे कि नींद से उठे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे माध्यान्ह आरती में कि नहीं बाबा पूरे फ्रेश होकर आरती के लिए बिल्कुल अभी भोजन करना है और भोजन दे के सबको आशीर्वाद देना है, वो अलग माहौल, और धूप आरती का तो मानो नहीं, आदमी फ्रेश होकर जब अपने बाहर घूमने के लिए निकलता है, लेकिन इस घूमने में अलग अलग है कि धूप आरती इसके लिए है कि भाई हम फ्रेश हो गए, अभी पूरी दुनिया को मन से आशीर्वाद देंगे, इसलिए ये आरती अलग है। और शीत आरती का तो मज़ा ही अलग है, क्योंकि हम भगवान को सुलाने जाते, वैसे तो भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो भाव है वो भावों से शब्दों से हम बाबा को सुलाते हैं, और वैसे तो बाबा सोने के बाद पूरा ये दुनिया का काम करते हैं, ऐसे ही हमारे बाबा, इनका वर्णन मैं अपने लफ्जों में कैसे कर सकता हूँ, इसका वर्णन तो आरती में ही बहुत कुछ आ गया है, और ये आरती अलग अलग भक्तों ने लिखी है, जैसे कि आरती साई बाबा मधुकर आडकर ने गाई है, जैसे रुसो मम प्रियम, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग अपने जबान से वो लिखी है, और वो जबान जो दी है वो बाबा ने हमें दी है। मालूम नहीं मैं कैसे गाता हूँ क्या गाता हूँ, लेकिन आप जैसे भक्त मुझे बोलते कि पंडित जी आपकी आवाज़ में कितनी मिठास है, वो जो मिठास है वो बाबा का ही तोहफा है, और ये तोहफा बाबा ने दिया, इसलिए मैं बाबा का बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि बाबा आपने मुझे क्यों चुना। इसके पीछे ये राज है कि माता पिता ने मेरा नाम उल्लास रखा है, और ये उल्लास का नाम हर आरती में उल्लास का वर्णन आ जाता है, ये सुन के भी बहुत खुशी हुई, मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। ओम सैराम।